तो देखिए दोस्तों, आज का भी मौसम बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत हो रखा है भाई। बादलों का नज़ारा बहुत शानदार दिखाई रहा है, दे रहा है। ऊपर बहुत प्यारे बादल लगे हुए हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। चलो देखते हैं लक्ष्मी पाड़ी क्या कर रही है। बहुत शानदार बादलों का व्यू। ठीक सामने हमारी बकरिया भी दिखाई दे रही है। इसमें पाड़ी लगी है ऊपर बांस काटने में। बुरांस और बांस मिक्स है तो जोड़ने लाऊंगा क्या? भाई साहब काटना काटना छी रे। और मिलो डाल तोड़ के खड़पण है। मिलो ने तो अपने पत्ते झाड़ दिए हैं। पत्ते झाड़ का सीजन चल रहा है ना। अरे जंगरोटा का सड़ी चु बिल्कुल वाक में भी सड़ी चु। सेते और मनोमेल भी सड़ी चो ना। तो देखो कितना घास सड़ी है दोस्तों। सही बात है। सही बात है। तो लै गए रोठल बाहर है। रोली में चल रहा है भयंकर मैच। कमेंट्री की आवाज सुनाई दे रही है थोड़ा बहुत। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका गौशाला ब्रास का बाहर लेके। तो लक्ष्मी आएगी आप ठहर के। सूर्य देव भी बादल के बीच में जाते हुए देखिए। चलते हैं, मेरी तैयारी हो चुकी है गौशाले जाने की, गाय भैंसों को पानी पिला वो घास देने की। तो यहाँ पर तो हमने रखे हैं भूख के कट्टे, ये ठंड में काम आएंगे गाय बकरियों के देने का। ये रहा हमारे ओखली कूटने का, जिसमें हम वो कूटते धान वगैरह कूटते हैं और कभी मंडवा को भी थोड़ा थोड़ा सा छाड़ लेते हैं। इसमें रखा होता है हमने पीन, ये गाय भैंसों का पिसा हुआ। ये उजा लिया हमने, ये क्या सरसों लेके आते हैं ना, इसे जब गाय को हम दूध निकालते हैं तो उसे निकालते हुए समय देते हैं। ये पीन पीन बोलते हैं इसे हम, कई जगह पे तो उसे उजना भी बोलते हैं पर हम ऐसे ही पीन बोलते हैं। तो चलो चलते हैं आप गौशाला की साइड।
हो चुकी है मेरी तैयारियाँ, ढक लेती हूँ दरवाजा। जो ये हरे हरियाल जो की सारी जो की पुंगड़ी बुतिया जो कमै ना मोक मैंने वाला तो पंचमी मैं ना आना पंचमी तो जो हम मोर पंचमी डाल लगन नहीं तो पंचमी पर मिते मिते शानदार से गीत याद आना सो गड़ो मैं आई पंचमी माँ की हरी हरियाली जाओ की जो भाग्यो का मैं तिहला उई बैज्ञानी मैं तिजाला निरुण पापी के माकृति तेरु आप काका बोडू मारूनी रंग खूनी वे मारू छाके की अरुनी रू के माँ की चलो देख लो ये मोह मैंने शानदार सी गीत मिलता तो सुने आली तो अगर पसंद आल तो जरूर लिखे ना कि पसंद आ नहीं आई बाक हमारे बोली भाषा आती है कई कई लोग तो समझ नहीं आने वाले तो क्या करना हम बोली भाषा भी सिर भी नहीं सकनी चलो कह कह भगत हुए गो आ दिन छमी विकास है गांव बेपल चल चल गो ओ पर कति हम जब खुबला गोर उड़ रहा बुनी हम खूब अखनी तो रण गो तब रहा घाम रन तेलू पाक पर चे हमार गाँव इतने सिलुड़ मचे तो चल आप दिखान में था आज ये कौन सौ पीछे मेरे काटन वाले किया काटन वाले मिलकर पहाड़ी के आला जय हमने की ओ पहाड़ी केला तो आप देख नहीं कि तुम कैसे कटनी है हम कैसे कटनी तो काटना तो मैं तो टा मजाना नीचे पर मैं तो बटी छन करी वहाँ भाई तो देखो लाभ थे तो फिलहाल तो मुझे सौंपा गया आज ये काम अब मैं कैसे काटूंगी कैसे काट पाऊंगी ये देखूंगी अब नीचे से काटूंगी या हाँ तो जाना है मुझे उस साइड से नीचे से तो चलो दिखाते हैं आपको काट के ऐसा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी चलो चलते हैं अच्छा चलो पाड़ लिया मैंने एक वाला ये रहा नीचे ये अभी रहा दूसरा यार ये रही दूसरी झंडी ये बना हुआ इसे ये ठंड के कारण ही तो पक नहीं पाएंगे वाले के ले जाऊंगी वहां हाथ पे ये रहा दूसरा एक रख लिया मैंने इसमें एक रहा है तब भारी बहुत हो रहा है भाई मैं लेके चलती हूँ गौशाले में अभी आना है मुझे तो इनको भी हार पार करना है इनके पत्तियों को बाइक का ही बकरियों के लिए के चलती हूँ तो चलो चलते हैं अभी ठीक है दो झिंटी केले की तो इन्हें पकाने की प्रोसेस ज़रूर लिखना कि कैसे पकाए जाते हैं हम तो ऐसे ही चूल्हे के ऊपर रख देते हैं कपड़े पे कट्टे पे लिटा के तो कुछ कुछ तो पक भी जाते हैं कुछ कुछ नहीं पक पाते हैं तो आप लिखना कि किस तरह से इसने पकाया जाए कमेंट में जरूर लिखना तो अभी एक रह गया उसे भी काट के लेके आती हूँ और केल के पेड़ को भी ऊपर लेके आती हूँ क्योंकि वो दूसरे की गौशाला में नहीं रखने चाहती तो मेरा गला तो सारा सूख चुका है अब लेके आ गए मैं पत्ते भी और केले भी ये रे पत्ते केले उनके नीचे हैं तो उन्हें घर ले जाना होगा बाद में तो केले पे मंगल गिर लगता ही है ऐसे केला कूदियों की केला कूदियों की बेदी बाला केला कूदियों की बेदी बाला ए
तो ये लगता है हमारे यहाँ पर मंगल गीत, मुझे तो इतना याद है। तो चलो चलते हैं हम गोबर फेंकने। तो ये बुरांस तो लेके आई थी मैं सुबह को, आज मुझे ऐसे घास के लिए भी नहीं जाना पड़ रहा है, बांस के लिए भी नहीं जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हरी घास होगी गाय के लिए, इसके लिए नीचे, इसके नीचे। तो चलो चलते हैं हम गोबर फेंकने। मेरी थैली कहाँ है, उसे लेके चलते हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर घास बांझ वाले भी आ चुके हैं, तो मैं तो आज जा नहीं पाई, तो इसलिए इन्हीं की आज सूट करनी पड़ेगी। देखते हैं ये कहाँ गए थे। रिकॉर्ड कर मैं तुम्हार की क्या जुगल रे तुम बेकार दिया खी तब बुना रहा नहीं ना लौट बुना ले दिया मरे नहीं ये तो घास बान ले खाना है तो बोल चाह तुम कुछ ना ना छे जी भाई घास बान लो ना हम अब छोटा पर अब खोटा तो खिलौना है कैसे का ना हां और अच्छा हाँ तो दूर भर भर गई इसीलिए तो ये गाना लगे गो। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी, सास ने कहा बाहर ले जाना पड़ा मम्मी जी, तो मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं लिखी मम्मी तभी तो मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी। तो चलो मम्मी जी चलो चलते हैं। तो आज तो मैं कहीं नहीं गई थी, आज दे दिया मैंने घास जल्दी, तो चली जाऊंगी मैं। आजकल हमें दरवाजों पे भी असल ये घास और जो पीड़ की पत्ती की वो तो नहीं पीड़ बोलते हैं हमसे, तो वो लगाए रहते हैं ताकि अंदर हवा ना जाए। तो दरवाजे पे आजकल बांझ वगैरह लगाना पड़ता है हमें, तो रख लेती हूँ मैं इन्हीं को भी। ये रही केले, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, तो रख लेती हूँ इनको भी। ये इसमें ले जाना होगा मुझे ये गिरा गिरा। तो चलो अभी घर में दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इन्हें पकने के लिए डालना है। यहाँ दे दिया है ना साइड, देखना पड़ेगा क्या दे दिया है नहीं बकरियों को। तो फिलहाल तो बकरियों को दे दिया है, लगा दिया है उनका कुंडा भी, लग गई चाबी भी। तो चलो चलते हैं घर को। देखो चंदा माँ भी आ गया है, आजकल तो जल्दी आ जाता है। तो चलो चलते हैं आप घर को, और लोगों की लाइट भी जल चुकी है। तो इसके अंदर तो रखे हमने पत्तियाँ, ये जो प्लास्टिक का होता है इसे हम त्रिपाल बोलते हैं ना पन्नी, तो इसके अंदर रखे हमने पत्तियाँ, सोल जिसे हम लेके आते हैं, थोड़े से ये रहे क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रहे थे ना, तो ये बरसात में काम आएंगे। लोगों के तो दो चार ऐसे बने रहते हैं गौशाले, तो उनमें डाल देते हैं, तो हमारा है नहीं तो हमने ऐसे ही डाल रख दिया, किसी का बनाया होता है ढांच। चलो दिखाते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।